हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से ग्लाइकोलिसिस का, जिसका आंसर सब लोग गलत कर रहे थे और काफ़ी कंफ्यूज भी थे सब लोग, वही ये वाला क्वेश्चन 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट वाला। तो इसको समझाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल बनाया है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को फिर से समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको 38 ATP गिना देता हूँ, कैसे कैसे कहाँ पर बनता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज से जब पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। मैंने रिएक्शन को अलग अलग लिखा है। जब मैंने ग्लाइकोलिसिस बताई थी या जब आप लोग बुक में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक ही सीधे स्टेप में ग्लाइकोलिसिस लिखी होती है, वहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिख देते हैं वो लोग। लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको अलग अलग कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे एक ATP का यूज़ होता है और एक ADP निकलता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है। फिर जो थर्ड स्टेप होता है, वहाँ पर भी एक ATP का यूज़ होता है और एक ADP निकलता है और फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट बन जाता है। मैंने यहाँ पे एंजाइम्स नहीं लिखे हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं था, सिर्फ इसे समझाना था, इसीलिए मैंने सीधे स्टेप को ही लिख दिया है, ठीक है। या सबसे जो दिक्कत होती है बच्चों को, यहीं पे होती है। फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट जो होता है, यहाँ पे जब एल्डोलेज एंजाइम आता है, एल्डोलेज कहा था मैंने कि डंडा लेकर के आएगा और फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट को बीच से मारेगा और तोड़ देगा। फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन का बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले से। 6 कार्बन का बना होता है। जब ये दो पार्ट में टूटेगा तो एक पार्ट बनता है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट और एक बनता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से पूरी रिएक्शन चलती है तो पाइरूविक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनता है और DHAP जो होता है वो ट्रायोज आइसोमरेज एक एंजाइम होता है, वो DHAP को फिर से चेंज कर देगा ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में। शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जो यहाँ पे लिखा होगा ना ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। तो देखिएगा, जब फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट था, जब ये टूटा तो हमें ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल मिल गए। अब अगर हम चाहें तो इनको यहाँ पे एक में ही मर्ज कर सकते हैं या चाहें तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। एक में ही मर्ज करेंगे तो हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने इनको अलग अलग आपको समझाने के लिए बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट से ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बना था, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक NAD+ आता है और एक NADH2 निकलता है। ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से एक NADH2 निकल गया और यहाँ पे एक फॉस्फेट इंटर करता है। तो ग्लिसरलडिहाइड के तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, एक फॉस्फेट और आ गया यहाँ पे, तो यहाँ के पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट लग गया। तो अब बन गया हमारा 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, या इसको हम बोलते हैं 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही से मैंने क्वेश्चन को पूछा था। पहले हम डिस्कस कर ले पूरा, फिर मैं क्वेश्चन पे अपने आता हूँ। फिर उसके बाद में 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से एक ATP निकलता है यहाँ पे और फिर बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा, फिर वो म्यूटेज एंजाइम आएगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। फिर यह 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो पेप फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में चेंज हो जाता है। और फिर जब पेप जो होता है, जब पाइरूविक एसिड में चेंज होता है, तो वहाँ पे फिर से एक ATP बनता है। ये मैंने एक ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल का मैंने बताया है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये टूटा था तो एक DHAP बना था, DHAP फिर से चेंज हो जाएगा ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो जो यहाँ पे रिएक्शन हुई थी, सारी रिएक्शन यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही हैं। देखिए, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से एक NADH2 बन रहा है, एक फॉस्फेट लग रहा है, 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ये देखिए। फिर ATP निकल रहा है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, फिर पेप बन रहा है और फिर पेप से क्या बन रहा है, पाइरूविक एसिड फिर से बन रहा है। यहाँ पे एक ATP निकल गया है। तो ये दोनों मैंने अलग अलग करके बना दिए हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए हैं। कैसे बने हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 3-3 कार्बन के ये थे, 6 कार्बन का था तो दोनों कार्बन ये बीच से टूट गया। 3 कार्बन का ये पाइरूविक एसिड और 3 कार्बन का ये पाइरूविक एसिड। ये साइटोप्लाज्म में जो चलती है ग्लाइकोलिसिस, वो अब यहां पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब पाइरूविक एसिड जाएगा कहां पे, माइटोकांड्रिया के अंदर। एक पाइरूविक एसिड गया माइटोकांड्रिया के अंदर, तब यहाँ पर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, 2 कार्बन का बना। 3 कार्बन का था पाइरूविक एसिड, 2 कार्बन का बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर
जो पायरविक एसिड जब था, जब एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो रहा था, तो एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल रहा था। एक कार्बन निकल गया तो तीन कार्बन थे, एक निकल गया तो दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बनेगा और एक NADH2 भी चेंज हो जाएगा, एक NADH2 भी बनेगा। तो एक पायरविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होता है तो एक CO2 और एक NADH2 निकलता है। ये भी चेंज होगा किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो फिर से एक CO2 और एक NADH2 निकलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो पायरुविक एसिड जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे, तब हमको दो CO2 नहीं मिलेंगे, ये एक और दो NADH2 यहाँ पे हमको मिलेंगे। वो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि दो मॉलिक्यूल दिए हैं आपको या फिर पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल दिया है। अगर मैं पूछूं कि पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल अगर आपको दिए गए हैं तो आप जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे उन दोनों मॉलिक्यूल से तो क्या क्या निकलेगा? तो दो मॉलिक्यूल दिए गए होंगे तो दो CO2 निकलेंगे और दो NADH2 निकलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक पायरुविक एसिड जब चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में तो एक NADH2 और एक CO2। अब ये एक एसिटिल कोएंजाइम ए किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा। एक एसिटिल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो हमको टोटल 12 ATP मिलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे मिलते हैं? तीन NADH2 मिलते हैं, ये देखिए तीन NADH2, एक FADH2 और एक ATP। तीन NADH2 में कितने ATP होंगे? 9 ATP होंगे, क्योंकि एक NADH2 में तीन ATP होते हैं। फिर एक FADH2 में कितने होंगे? दो ATP होंगे और एक ये ATP हमें मिला होगा। तो 9, 2, 11 और एक 12। एक क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो हमको 12 ATP मिलते हैं। यहाँ पे दूसरा पायरुविक एसिड था और यहाँ पे पायरुविक एसिड फिर से चेंज हुआ था किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो ये जब क्रेब्स साइकिल चलेगी तो हमको फिर से 12 ATP मिलेंगे। तो एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP, तो दो क्रेब्स साइकिल चलती हैं तो हमको 24 ATP यहाँ पे मिल गए। ठीक है, 24 ATP हमको कहाँ मिले? क्रेब्स साइकिल में मिले। लेकिन देखिए दो NADH2 हमको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है रिएक्शन वहाँ पे मिले, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था। पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बना था तब यहाँ पे एक NADH2 यहाँ था और एक यहाँ था। तो देखिएगा 12 ATP हमको मिले क्रेब्स साइकिल में, ठीक है 12 24 हो गए, और यहाँ पे एक NADH2 ये और एक NADH2 ये, तो इसका मतलब एक NADH2 में 1, 2, 3 ATP यहाँ होंगे और 1, 2, 3 ATP यहाँ होंगे। जब ये NADH2 ETS में जाएगा तो एक NADH2 3 ATP को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 3 ATP यहाँ पे और 3 ATP यहाँ पे, तो 3, 3, 6 ATP हमको यहाँ पे मिलेंगे। और हमको पहले कितने मिल चुके थे? 12 ATP यहाँ से इस क्रेब्स साइकिल से और 12 ATP इस क्रेब्स साइकिल से, तो 12, 12, 24 और 24, 6 30 ATP हमको यहाँ पे मिल गए हैं। 30 ये मिल गए, एक ATP ये 31 हो गया, एक ये ATP 32 हो गया, एक ये ATP 33 हो गया, एक ये ATP 34 हो गया। ठीक है, 34 ATP हमको यहाँ पे मिल गए हैं। अब देखिएगा 34 ATP ये मिल गए और फिर उसके बाद में हमको एक NADH2 ये मिला था और एक NADH2 हमको ये मिला था, तो इसमें भी 1, 2, 3 ATP यहाँ होंगे और 1, 2, 3 ATP यहाँ पे होंगे। तो 34 यहाँ तक आ गए थे हम लोग, और फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40 40 ATP हमको मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दो ATP हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिए थे। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक ग्लूकोज से कितने ATP प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो 40 ATP प्रोड्यूस हो सकते हैं और 40 ATP प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका होता है तो हमें नेट कितने ATP मिलते हैं, तो 40 तो हमको मिले थे लेकिन दो हमने यूज़ भी तो कर लिए थे, एक ये ATP और एक ये ATP स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया था, तो 40 में से दो को हम माइनस कर देंगे और हमको मिल जाएंगे 38 ATP। तो नेट हमें 38 ATP हमको मिलते हैं। 38 ATP अगर नेट पूछता है तो 38, या फिर पूछता है कि कितने प्रोड्यूस होते हैं तो फिर हमें यहाँ पे 40 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दो हम यूज़ कर लेते हैं तो 40 में से दो हमको कर देंगे माइनस और 38 ATP यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट हमने आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, एक मॉलिक्यूल दिया है किसका? 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट का, और उससे आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, तो आप मेरे हाथ में कितने ATP ला करके रखोगे? ठीक है, अब रिएक्शन हमको यहाँ से स्टार्ट करनी है। कहाँ से? यहाँ से 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से। अच्छा, जब हम रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की रिएक्शन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखेंगे, इसके ऊपर क्या हो रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल दिया, जब ये चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में तो हमको एक ATP मिलेगा,
ये एटीपी हमको यहाँ पे मिला, मैं किसी दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। ये एटीपी हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने एक मॉलिक्यूल दिया ना, तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं बोलता कि अगर आपको दो मॉलिक्यूल दिए हैं मैंने, तो इससे भी बढ़ते और यहाँ से भी आते। जब मैंने बोल दिया आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया गया है, तो सिर्फ हम यही देखेंगे, इसको हमें नहीं देखना है। जब एक ही मॉलिक्यूल दिया गया है ना आपको, तो सिर्फ आप इसी रिएक्शन को ही आगे देखेंगे। ग्लूकोज जब टूटता है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट के। लेकिन मैंने क्वेश्चन आपसे ये कहा था कि मैंने आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिया है, तो एक मॉलिक्यूल ये है, इसी से रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे और जितने एटीपी मिलेंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एटीपी यहाँ मिला हमको, और देखिए एक एटीपी यहाँ पे मिला, ठीक है। तो जब 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट जब पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो हमको यहाँ से दो एटीपी ये मिले, और पाइरुविक एसिड जब चेंज होगा एचएल कोएंजाइम ए में, तो हमको एक NADH2 भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक दो और फिर तीन चार और पाँच, पाँच एटीपी हमको यहाँ तक मिल गए। और फिर जब इस पाइरुविक एसिड से एक एचएल कोएंजाइम ए बनेगा, तो एक ही क्रेब्स साइकिल चलेगी, और एक क्रेब्स साइकिल में हमको कितने मिलते हैं, 12 एटीपी। तो 12 और 5 17 हमारा आंसर जो था वो सही था, ठीक है। तो 17 कैसे आंसर आ रहा था, हमने एक मॉलिक्यूल आपको दिया था सिर्फ ये वाला, यहीं से इस स्टेप से आपको रिएक्शन को आगे बढ़ानी थी, पीछे क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक एटीपी ये मिला, एक एटीपी ये मिला, और तीन एटीपी हमको यहाँ पे मिल जाएंगे जब ये ईटीएस में जाएगा। तो हमें एक दो और यहाँ पे तीन पाँच, और पाँच और 12 17 एटीपी हमको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमने आपको 3-फॉस्फोग्लिसरेट दे दिया, जब हम आपको 3-फॉस्फोग्लिसरेट देंगे तो ऊपर से कोई आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक एटीपी ये मिलेगा, तीन ये चार, और 12 4 16 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि एक पाइरुविक एसिड से कितने एटीपी मिलेंगे, तो तीन एटीपी NADH2 में है तो वो मिल जाएंगे, और 12 एटीपी हमको क्रेब्स साइकिल से मिल जाएंगे। तो 12 और 3 15 एटीपी हमको मिल जाएंगे, कहाँ पे, पाइरुविक एसिड से। जब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो हमको 15 एटीपी मिलेंगे। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोल दिया आपको मैंने पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल दिए हैं, और अब बताइए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो मुझे कितने एटीपी मिलेंगे, तो दो मॉलिक्यूल दिए हैं ना, तो एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल जाएगा तो 12 और 3 15, और जब ये मॉलिक्यूल भी आगे जाएगा तो 12 एटीपी क्रेब्स साइकिल से और 3 एटीपी यहाँ पे, तो 15 एटीपी। तो पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो हमको 30 एटीपी मिलेंगे, 15 इधर मिल जाएंगे और 15 इधर मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर कहीं भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले, हो सकता है यहाँ से पूछ ले, हो सकता है यहाँ से पूछ ले। एक मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो सिर्फ आप एक तरफ ही रिएक्शन चलाएंगे, अगर दोनों मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आपको यहाँ से दोनों तरफ रिएक्शन लेकर के चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बोल दिया है कि फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल दिया गया है, तो ये तो 6 कार्बन का होता है ना, एक मॉलिक्यूल दिया गया होगा तो हम दोनों, जब ये 6 मॉलिक्यूल जब 6 कार्बन का होगा टूटेगा, जब ये 6 कार्बन का बना हुआ है फ्रक्टोज 1.6 बाईफॉस्फेट, ये टूटेगा तो एक DHAB बन जाएगा और एक डिसल्फाइड 3-फॉस्फेट बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होंगी और जितने ATP बनेंगे उतने हमको ATP मिल जाएंगे, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। तो जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है तो भैया ऑफलाइन ही हम समझाने का मेरे पास रास्ता बचा है, ऑनलाइन तो मैंने जितना कोशिश किया मैंने उतना समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये समझ में आ गया है। थैंक यू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।